जय श्री राम। आज का क्लास हम लोग शुरू करेंगे झारखंड आरक्षी पुलिस का सिलेबस के बारे में। तो चलिए आप हम लोग के साथ बने रहेगा, अंत तक बने रहेगा एकदम डिटेल से। क्या कौन कौन सब्जेक्ट से आएंगे, क्या क्या आएंगे, कहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस पार्ट से पूछे जाएंगे, ये भी आपको जानकार यहाँ पर देंगे। तो चलिए आप लोग बने रहेगा। और इसके लिए हम लोग एक झारखंड बैच की शुरुआत भी कर चुके हैं, जो वर्दी बैच है वाला ले लीजिएगा, एकदम कम फी में रखें, 2000 रुपये है, 200 रुपये, सॉरी 2000 बोले, 200 रुपये। तो ये वाला भी आप लोग खरीद लीजिएगा। देखिए इसका सिलेबस के तरफ चलते हैं हम लोग जल्दी। देखिए इसका सिलेबस क्या रहेंगे, इसमें दो पेपर रहेंगे, लिखित परीक्षा में कितने रहेंगे, दो पेपर। इसमें आप पूरा प्रोसेस हम बता दे रहे हैं कि कैसा प्रोसेस रहेंगे। पहले आपका क्या होगा, रनिंग के बाद आपका होगा मेडिकल और आपका होगा रिटेन। ये तीन एग्जाम से आपको गुजरना होगा। तो हम लोग को देखना होगा रनिंग और फिजिकल मेडिकल जो है ये तो हम लोग अपने से कर ही लेंगे, लेकिन सबसे बड़ा हम लोग का मायने रखता है कि रिटेन, यानी कि लिखित परीक्षा कैसे होगी। तो लिखित परीक्षा का देखिए इसका दो पेपर होगा, पेपर वन और पेपर आपका टू होंगे। पेपर वन में प्रश्नों की संख्या कितने रहेंगे, 100 रहेंगे। कितने रहेंगे प्रश्नों की संख्या, कितने रहेंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे इसमें, 100 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें आपका क्षेत्रीय जनजातीय भाषा ज्ञान रहेंगे, जिसमें आपका हिंदी रहेंगे, अंग्रेजी, कुड़माली, खोटा, नागपुरी, बांग्ला, मुंडारी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, हो उड़िया वगैरह वगैरह और भाषा रहेंगे, इसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे। इस पेपर में आपको 30% जो अंक है, 30% अंक लाना अनिवार्य है। इसमें एक अंक में, मतलब एक प्रश्न में 3 अंक दिया रहेंगे, 3 अंक मिलेंगे। इसमें अवधि कितने रहेंगे, 2 घंटा रहेंगे। कितने रहेंगे, 2 घंटा की अवधि दिया जाएगा और 3 मार्क करके कटौती कितने होंगे, कटौती जो होगा नेगेटिव होगा, कटौती होगा 1 मार्क की कटौती हो जाएगी। आ गया इसका सिलेबस क्या है। अगर आप हिंदी लेना चाहते हैं तो इसका सिलेबस देख लीजिए। सबसे पहले आपको हिंदी लेना है तो क्या हिंदी विषय में क्या लेना, क्षितिज 2 में आपको जितने हैं ये पढ़ना है, और कृति का भाग 2 में है ये पढ़ना है, क्रिया भेद है, वाक्य भेद है, संज्ञा है, सर्वनाम है, अव्यय है, क्रिया विशेषण है, विकारी शब्द, अविकारी शब्द, समास, कारक और अनिकार्थी शब्द, मुहावरा, लोकोक्ति और पत्र लेखन, ये आपको थोड़ा हार्ड है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जो पेपर 2 है, इसमें भी प्रश्नों की संख्या कितने रहेंगे, 100 रहेंगे। इसमें भी आपको कितने, 2 घंटे टाइम दिया जाएगा। इसमें भी एक प्रश्न के 3 अंक दिए जाएंगे और कटौती के बदौलत आपको 1 अंक काट के रख लेंगे, ये हो गया। आप देखिए पेपर 2 को दो भाग में बटा गया है। पहला जो भाग है इसको भाग में हिंदी को रखा गया है, इसमें आपको 50 नंबर आएंगे हिंदी से। फिर से पेपर 2 वाला में आपको हिंदी से कितना आएंगे, 50 नंबर आएंगे। और आपका जो भाग 2 है इसमें भी 50 क्वेश्चन रहेंगे, और इसको भाग 2 को भी वर्ग ए और बी में बटा गया है। इसमें भी आपका जो जीएस जीके रहेंगे, जीएस जीके जितने भी रहेंगे, इसका 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो 25 रहेंगे ये मैथ और रीजनिंग से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हिंदी का क्या क्या सब्जेक्ट रहेंगे, हिंदी में आपको अनुच्छेद पढ़ना है, हिंदी व्याकरण रहेंगे, मुहावरे रहेंगे, लोकोक्तियां रहेंगे, वाक्य का शुद्धिकरण रहेंगे, ये सबसे आपको 50 नंबर पूछा जाएंगे। और पेपर 1 और 2 का मेगा सूची देखिए कैसे तैयार किया जाएगा। मेगा सूची कैसे तैयार रहेंगे, पेपर टू का एड होगा पूरा, और पेपर वन का परसेंटेज के अनुसार एड होंगे। कैसे होंगे, परसेंटेज के अनुसार कैसे एड होंगे, अगर आप 31 से 40 नंबर लाते हैं तो आपको कितने नंबर, 1 नंबर मिलेंगे, और आप 41 से 51 रखते हैं तो 2 मार्क मिलेंगे, और आपका 51 से ये 50 है, 51 से 60 तक रखेंगे तो 3 मार्क मिलेंगे। इस तरह से इसका एड होगा पेपर 2 का। मान के चलिए पेपर 2 में कुछ आपको लाए 300 नंबर रहेंगे, क्योंकि इसमें कितना रहेंगे आपका 100 प्रश्न रहेंगे, समय 3-3 देंगे तो कुल अंक कितने रह जाएंगे, 2 घंटा रहेंगे, कुल अंक रहेंगे 300 रहेंगे। तो 300 में मान के चलिए हम कितना लाते हैं,
हम लोग लाएंगे मान के चलिए 270 लाए, 270 लाए और पेपर वन में परसेंटेज के अनुसार ऐड होंगे, आप मान के चलिए इसमें 60 से 70 के बीच 70 रखेंगे तो आपका 4 अंक जुड़ेंगे, आप 70 से 80 रखेंगे तो आपको 5 जुड़ेंगे, कितने 5, तो आप मान के चलिए पेपर वन में कितने परसेंट लाते हैं, पेपर वन में आप 72% नंबर लाते हैं तो आपका 72 ऐड नहीं होंगे, क्या क्या ऐड होंगे, 5 ऐड होंगे, सिर्फ इसमें 5 ऐड होंगे, इस तरह से आपका इतना सॉरी 2 और 7 आपको इतने नंबर इसमें से आ जाएंगे और इसका आपका मेगा सूची तैयार बन के आ जाएंगे। और कुछ बच्चों के लिए एक इस एक आरक्षित जो सैनिक स्कूल से पढ़ा होगा, सैनिक स्कूल से कोई अगर लड़का पढ़ा होगा सैनिक स्कूल से और वह स्नातक डिग्री से ऊपर क्या होगा तो उसको भी कुछ 10 नंबर 8 नंबर करके यहाँ पर ऐड होगा और उसका मेगा सूची तैयार होगा। तो मेगा सूची देख लीजिएगा, पेपर वो पेपर टू पर फुल डिपेंडेंट है और वन के परसेंटेज पर उपलब्ध है, वन वाला पूरा ऐड नहीं होगा। यहाँ पर लिखे थे मेगा सूची पेपर वन और टू, तो पेपर वन पूरा नहीं है, इसका परसेंटेज के अनुसार आपको एड होंगे, यानी कि ज्यादा एड आपको होने वाले नहीं है, ज्यादा फोकस आपको करना है इसमें पेपर टू में, ज्यादा फोकस करना है और पेपर टू में जो हिंदी है ये बहुत बड़ा इस बार के सिलेबस में जो हिंदी पेपर है उसका बहुत बड़ा हाथ रहेंगे, हिंदी का बहुत बड़ा हाथ रहेंगे, इसलिए आप लोग हिंदी वाला अच्छी तरह से देख लीजिएगा क्योंकि आपको पास कराएगा तो हिंदी ही आपको सिलेक्शन लेके जाएगा। तो चलिए आज के सिलेबस में बस इतना ही, जय श्री राम।